असनीर ग्रोवर की इस एलिजिबली कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए। सॉरी आई डोंट नो सर व्हाट यू आर सेइंग। यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय को गालियाँ दी जा रही है और इवन उनका एनकाउंटर करवाने की धमकियाँ दी जा रही है। इस कॉल के पीछे की स्टोरी ये है कि असनीर को नायका के आईपीओ के शेयर खरीदने थे और इसके लिए वो कोटक से 500 करोड़ का एक लोन लेने वाले थे और इसकी सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई थी, बट बिल्कुल लास्ट मोमेंट में कोटक ने इस लोन को कैंसिल कर दिया और असनीर को करोड़ों का नुकसान हो गया। इसके बाद एलिजिबली उन्होंने कॉल पे गालियां दी और कोटक को लीगल नोटिस भी भेज दिया। बट सवाल ये उठता है कि एक मिलीनियर होते हुए भी असनीर शेयर्स खरीदने के लिए बैंक से लोन क्यों ले रहे हैं। दरअसल यहाँ पर लोन लेके और भी ज्यादा पैसे कमाने और अमीर बनने की प्लानिंग कर रहे थे और फाइनेंस में इसे लेवरेजिंग कहा जाता है। यहाँ अगर नायका के शेयर्स की वैल्यू अपने खरीदे हुए प्राइस से 1% भी बढ़ती है तो लोन की वजह से उन्हें 1% ऑफ 500 करोड़ विच इज 5 करोड़ का प्रॉफिट उन्हें मिल जाता। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब हम में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि लोन लेना तो एक बैड आइडिया है और भला लोन लेकर कोई पैसे कैसे कमा सकता है। बट हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि दुनिया के रिचेस्ट लोग अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा लोन्स का इस्तेमाल करते हैं। बट हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि ज्यादातर इंडियंस लोन लेने से डरते क्यों हैं और क्या रीजन है कि मिडिल क्लास लोग लोन्स को नेगेटिवली देखते हैं। इसे समझने के लिए इस डेटा को देखिए। यहाँ पर पर्सनल लोन सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसके साथ ही मैक्सिमम इंडियंस कार लोन और क्रेडिट कार्ड लोन भी ले रहे हैं और ये सारे लोन्स बैड डेट की कैटेगरी में आते हैं, जिसका मतलब है कि हम ये लोन्स लेकर लायबिलिटीज खरीद रहे हैं जिसके बदले हमारी कोई इनकम जनरेट होती ही नहीं। उल्टा इसके लिए हमें हमारी जॉब से एडिशनल पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग आज हर 5 में से एक इंडियन अपने ट्रेवल के बिल्स पे करने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं और 10% इंडियंस तो अपने ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के ड्यूज भरने के लिए लोन ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग लोन लेकर अपने लिए कोई बंगलो या कार नहीं खरीदते, बल्कि इस लोन से वो एसेट्स खरीदते हैं जिससे वो और ज्यादा अमीर बन पाए। फॉर एग्जाम्पल, वो लोन पर लिए हुए पैसों को रियल इस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस में लगाते हैं जिससे उन्हें अपने लोन की ईएमआई से ज्यादा रिटर्न्स मिले। इनफैक्ट हर वेल्दी इंसान काफी सारे लोन्स लेके ही आज वेल्दी बने हैं और ये मेरा नहीं, क्रेड्स के फाउंडर कुणाल शाह का मानना है। एवरी वेल्दी पर्सन has become wealthy by taking a lot of loans. But यहाँ डिफरेंस यही है कि ये सारे लोन्स गुड डेट की कैटेगरी में आते हैं जिसे एसेट में या फिर उसे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है ताकि वो हजारों करोड़ रुपए के प्रॉफिट कमाए। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि वन, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भला पैसे कौन देगा, और सेकंड, इवन अगर हमें लोन मिल भी जाता है तो एक आम आदमी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती ही कितनी है। वो लोन वाले पैसों को ऐसी जगह लगाने का रिस्क कैसे ले जहाँ पर पूरे पैसे डूबने के चांसेस हैं। और ये पॉइंट एकदम ठीक है, किसी भी नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को असनीर ग्रोवर की तरह 500 करोड़ का लोन कोई भी नहीं देगा, ना ही उन्हें कोई रियल इस्टेट या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लोन आसानी से मिलने वाला है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि हम स्टार्टिंग में वहाँ से शुरू करें जहाँ पर बहुत ही कम पैसे लगा के हमें ज्यादा ग्रोथ मिल सके, बेशक वो शुरुआत कितनी छोटी क्यों ना हो। और कुछ ऐसा ही इन नॉर्मल मिडिल क्लास लेडीज ने आज से 60 साल पहले किया। इन्होंने 1600 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी और वो भी बिना किसी एजुकेशन और बिना किसी बिजनेस एक्सपीरियंस के, वो भी अपने घर की छत से शुरू करके। हम बात कर रहे हैं लिज्जत पापड़ की, और इनके फाउंडर्स ने पहले दिन सिर्फ 4 पैकेट बेचे थे और काफी कम लोगों को ये पता है कि इस कंपनी को 1959 में 7 मिडिल क्लास गुजराती लेडीज ने शुरू किया था ताकि उनको घर चलाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल सके। और इसे शुरू करने के लिए उन्होंने 80 रुपए का एक छोटा सा लोन लिया था। वही आज लिज्जत पापड़ इतना सक्सेसफुल है कि ये ऑलमोस्ट 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और इनका एनुअल टर्नओवर 800 करोड़ से भी ज्यादा है। ठीक इसी तरीके से 1978 में ये लड़की एक पुराना गैरेज रेंट पर लेती है और पूरे दिन गर्मी में यहाँ काम करती रहती है ताकि वो अपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी खोल सके। और शुरू में तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उल्टा इनके साथ कोई काम करने के लिए भी रेडी नहीं था। और फाइनली एक रिटायर्ड कार मैकेनिक को उन्होंने हाथ जोड़कर मनाया, और वो भी काम करने के लिए इसलिए रेडी हुआ क्योंकि उसे कहीं और जॉब
मिल नहीं रही थी। यहाँ पर हम कोई और नहीं बल्कि बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार शो की बात कर रहे हैं, जो ये भी बताती हैं कि कैसे 25 साल की एज में जब उन्होंने बायोकॉन स्टार्ट किया तो उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए थे और कोई भी बैंक उन्हें लोन देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बहुत ही मुश्किलों के बाद किरण मजूमदार शो ने बायोकॉन को ग्रो किया और आज बायोकॉन 30,000 करोड़ की कंपनी है। और हाल ही में उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए $1.2 बिलियन का लोन लिया, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए का लोन। और ठीक इसी तरीके से जब हम अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करके अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं तो हम लोन्स लेके ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सकते हैं, जिसे फाइनेंशियल लेवरेजिंग कहा जाता है। फाइनेंशियल लेवरेजिंग को हम आसान भाषा में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2,00,000 रुपए हैं और आपको किसी बिजनेस में 20% की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अगर हम 2,00,000 रुपए इस बिजनेस में लगाते हैं तो इसका 20% हुआ 40,000 और इतना हमें रिटर्न मिलेगा। बट वहीं अगर हम 8% के इंटरेस्ट रेट पर 18,00,000 का एक लोन लेते हैं और इसमें अपने 2,00,000 ऐड करके इसी सेम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 20% ऑफ 20,00,000 यानी 4,00,000 का रिटर्न मिलेगा। और इस 18,00,000 के लोन पर हमें 1,44,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यही इंटरेस्ट पे करने के बाद भी इसमें 2,00,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है और इसी को फाइनेंशियल लेवरेजिंग कहा जाता है। बेसिकली इसमें हमने अपने कैपिटल को मैक्सिमाइज करने के लिए लोन का इस्तेमाल किया है ताकि हम एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सके और इस पर हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अब हम 4 ऐसे तरीके देखते हैं जिससे अमीर लोग पैसों को लेवरेज करके और भी ज्यादा अमीर बनते हैं। मेथड 1, इन्वेस्टिंग इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं। इसकी एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। इमेजिन कीजिए कि एक इंसान है जिसकी 5,000 की सैलरी है और वो एक छोटी सी दुकान में हेल्पर का काम कर रहा है और वो इस मेथड को यूज करता है, तो उसे आज कितना रेंट मिलता होगा? 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए? नहीं, 2021 में इन्हें 769 करोड़ का रेंट मिला है। इनफैक्ट इन्हें सिर्फ एक बिल्डिंग से 4 करोड़ पर मंथ का रेंट मिलता है। इनका नाम है विजय अग्रवाल, जो कि एक 7वां ग्रुप नाम की रियल इस्टेट कंपनी के आज मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इनकी खुद की नेटवर्थ 4,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। और अगर हमें भी लोन लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट या रेंटल इनकम कमानी है तो हम उन प्रॉपर्टीज को खरीद सकते हैं जो अपनी एक्चुअल वैल्यू से काफी कम प्राइस में बिक रही है। और इसे करने का तरीका गैरी कलर ने अपनी बुक मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर में बताया है। बेसिकली वो बताते हैं कि कई प्रॉपर्टीज हैं जो फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली इमरजेंसीज या फिर लोन प्रॉब्लम्स के चलते काफी डिस्काउंटेड प्राइस में बिक जाती हैं और हमें ऐसे ही प्रॉपर्टीज को ढूंढना है। फॉर एग्जांपल, आज गोवा की जो प्रॉपर्टी प्राइस की ग्रोथ है और रेंटल यील्ड है वो बहुत ज्यादा है। और अगर हम इस वेबसाइट पर जाएं तो हमें यहाँ गोवा की वो सारी प्रॉपर्टीज दिखेंगी जिसके ओनर लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं। सो बैंक इन प्रॉपर्टीज को काफी सस्ते प्राइस में ऑक्शन करता है। जैसे कि यहाँ गोवा के पोर्स एरिया के 2 घर सिर्फ 70,00,000 के ऑक्शन में बिक रहे हैं, जो कि इसकी रियल मार्केट वैल्यू से काफी कम है। और एज ए थॉट एक्सपेरिमेंट, लेट्स से कि हम 10,00,000 का डाउन पेमेंट करके 70,00,000 का एक लोन लेते हैं और इस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, रेनोवेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू एटलीस्ट 20 से 30 लाख ज्यादा की तो हो ही जाएगी। और हम इससे हर महीने अपने लोन की ईएमआई से भी ज्यादा रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर घर का प्राइस 5 या 6 साल में बढ़ जाता है या डबल के आसपास हो जाता है तो ये लोन एक गुड डेट कहलाएगा, ना कि बैड डेट। एनीवेज, देखिए रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा है कि इवन बिलियनियर्स भी लोन लेकर रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग से पैसा कमाते हैं। जैसा कि एलोन मस्क ने पिछले कुछ साल में कैलिफोर्निया में 7 प्रॉपर्टीज खरीदी जिसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया और हाल ही में उन्होंने इन सभी प्रॉपर्टीज को सेल कर दिया जिसमें उन्हें $25 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। बट इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एक कंडीशन हमेशा होनी चाहिए कि हम वो प्रॉपर्टीज खरीद पाए जिनकी रेंटल इनकम और मार्केट वैल्यू की ग्रोथ रेट हमारी ईएमआई की इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर शुरू में हमारी रेंटल इनकम मंथली ईएमआई से कम भी होती है तो हमारी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम इस सिचुएशन को मैनेज कर पाए। मेथड 2, इन्वेस्टिंग। इसमें आइडिया ये है कि हम लोन लेके किसी हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक में
इन्वेस्ट करें जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। और जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया था, असनीर ग्रोवर भी इसी रीजन से लोन लेकर नायका के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते थे। इनफैक्ट असनीर अपनी बुक दोगलापन में बताते हैं कि उन्होंने लेवरेजिंग का इस्तेमाल किया और बैंक से 95 करोड़ का लोन लिया और इस लोन के पैसों को असनीर ने जोमेटो के आईपीओ में इन्वेस्ट किया। और हम में से ज्यादातर लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट इतनी सक्सेसफुल हुई कि असनीर ने 8 मिनट में 2.25 करोड़ कमा लिए, और वो भी लोन का इंटरेस्ट पे करने के बाद। और शायद कॉल रिकॉर्डिंग में असनीर के इतना गुस्सा होने की वजह भी यही है कि नायका आईपीओ के शेयर्स ऑलमोस्ट 80% गेंस के साथ लिस्ट हुए थे, और अगर उन्हें टाइम से लोन मिल जाता तो उनके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो जाते। बट लोन लेकर इन्वेस्टिंग करने में जितना ज्यादा प्रॉफिट है, इसमें रिस्क भी उतना ज्यादा ही है। ऑल्सो जहाँ असनीर जैसे इन्वेस्टर्स के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ है, वहीं दूसरी तरफ हम जैसे मिडिल क्लास इन्वेस्टर अगर थोड़ी बहुत वेल्थ इकट्ठा कर भी लेते हैं तो भी हम लोन लेकर स्टॉक मार्केट जैसी रिस्क की जगह में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को नॉलेज भी कम है और साथ में चांसेस भी यही है कि इससे हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। मेथड 3, बट अगर हम रियल इस्टेट और स्टॉक की उतनी नॉलेज नहीं रखते हैं तो हम लेवरेजिंग का इस्तेमाल अपने बिजनेस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और इसमें दो तरीकों से हम लोन लेकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जैसे हाल ही में मुकेश अंबानी ने $5 बिलियन का एक लोन लिया, जो अब तक की हिस्ट्री में इंडिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट लोन है। बेसिकली उन्होंने ये लोन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और पूरे देश में 5G नेटवर्क को बढ़ाने के लिए लिया है। इवन वेदांता ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर अनिल अग्रवाल भी ये बताते हैं कि कैसे जब वो अपना माइनिंग बिजनेस ग्रो करना चाह रहे थे तो उन्हें कोई 50 लाख का लोन भी नहीं दे रहा था। तो अनिल अग्रवाल जी ने धीरूभाई अंबानी जी को अप्रोच किया और उन्हें एक पार्टी में बुलाकर उस बैंक के मैनेजर से मिलवाया, जिसके बाद वो बैंक मैनेजर इतना इंप्रेस्ड हो गया कि उन्होंने अनिल अग्रवाल जी को 50 लाख का लोन दे दिया। और आज वेदांता ग्रुप इंडिया के सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी में से एक है और अनिल अग्रवाल जी खुद एक बिलीनियर है। सो अगर हमें अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस में स्कोप दिखता है और अगर हमको इसमें लोन के इंटरेस्ट रेट से डबल या इवन ट्रिपल ग्रोथ वाली अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम भी लोन लेकर अपनी बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। आइए इस पर एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हमारे पास एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है जिसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, इतनी अच्छी कि इवन किसी दूसरे टाउन या एरिया में भी हमारे लिए डबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो सिर्फ ऐसी सिचुएशन में हम अपना लोन लेके उस पर्टिकुलर टाउन या एरिया में अपने रेस्टोरेंट की एक और ब्रांच खोल सकते हैं ताकि हमें इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। सेकंड, एक बार अगर हमारा एक पर्टिकुलर बिजनेस वेल एस्टेब्लिश और सक्सेसफुल हो जाता है तो हम लोन लेकर किसी दूसरे बिजनेस में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें पूरी तरह से बाय आउट भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को लेवरेज्ड बाय आउट कहा जाता है। कई बिलियनियर्स इसे यूज करके दूसरे प्रॉफिटेबल कंपनीज को एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गौतम अडानी को जब सीमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ दिखी तो उन्होंने खुद का बिजनेस नहीं खोला, बल्कि उन्होंने ACC और अंबुजा सीमेंट को एक्वायर करने का प्लान बनाया और इसके लिए उन्होंने 32,000 करोड़ का लोन लिया। अब स्मॉल बिजनेस ओनर्स तो इतना बड़ा लोन नहीं ले सकते, बट इस मेथड को समझ सकते हैं और शायद कभी सही टाइम आने पर छोटे स्केल पे हम इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाए। मेथड 4, लास्टली, अमीर लोग लोन का इस्तेमाल सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं बल्कि टैक्स बचाने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक एलोन मस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर टैक्स भरते थे, इसलिए एलोन मस्क अपनी कंपनी से कोई सैलरी नहीं लेते बल्कि इसके बदले वो अपनी कंपनी के स्टॉक को ही एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी ऑन पेपर वैल्यू हर साल $1 बिलियन है। बट क्योंकि वो इन स्टॉक्स को बेचते नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट इसे इनकम नहीं मानती और इसीलिए इन्हें इस इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसे बेचने के बजाय वो बैंक के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे मेरे स्टॉक्स के बदले कम इंटरेस्ट वाला एक लोन दे दो ताकि मैं अपने खर्चे चला सकूं। और क्योंकि उनके शेयर की वैल्यू 20-30% हर साल इंक्रीज होती है तो वो बार बार अपने लोन को रीफाइनेंस करते हैं। तो बेसिकली वो एंड में ऑलमोस्ट 0 टैक्स पे करते हैं। ऊपर से ऐसे लोन पर कोई टैक्स नहीं लगता और अगर हम किसी कंपनी को ओन करते हैं तो हम भी ऐसे लोन लेकर अपने टैक्स मिनिमाइज कर सकते हैं और इससे और भी कई एसेट्स को खरीद सकते हैं। इन कंक्लूजन, इस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग लोन लेकर ही अमीर बनते हैं और कैसे वह अपने पैसे को लेवरेज करके और भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। बट अगर
हम मिडिल क्लास इंडियंस की बात करें तो हम में से ज्यादातर लोग लोन लेकर ऐसे इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क नहीं ले सकते। ज्यादा से ज्यादा या तो हम लोन का इस्तेमाल करके एक खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर हम इसमें छोटे मोटे कमर्शियल प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। इससे ज्यादा रिस्क लेने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है और हाँ उतनी रिस्क कैपेबिलिटी भी नहीं है। इसलिए मेरे ओपिनियन में सबसे पहले तो हमें खुद को एजुकेट करना चाहिए और बाद में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों में मिस्टेक्स कर लेनी चाहिए ताकि बड़े रिस्क लेके बड़ा धमाका ना करें। फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लेवरेजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये धमाका भी है जो हमारे ऊपर भी चल सकता है। फाइनली आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसे जरूर अपनी फैमिली वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को पता लगे कि लोन की पावर क्या है और ये बैकफायर भी कैसे कर सकता है। एनीवेज अगर दोस्तों आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।